जय श्री राम दोस्तों, एसपीजे किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ आटा की मेथी मटरी। जिसके लिए देखिए मैं आटा ली हूँ, 2 कटोरी आटा मैं ले लूँगी। इसमें मैं 1/2 कटोरी मैदा डाल दूँगी। अब इसमें मैं डालूंगी अजवाइन 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, ये वाइट तिल डालूंगी 2 टेबलस्पून, मेथी डालूंगी, मेथी भी 2 चम्मच के लगभग है हमारा, कम लगेगा तो मैं और डाल दूँगी। अब मैं मोइन डाल रही हूँ, तो मोइन ज़्यादा नहीं डालना है, अभी मैं 2 चम्मच के लगभग ही डाली हूँ, मिला के थोड़ी सी मैं और ले रही हूँ। हो गया, अब मोइन नहीं डालना है मुझे। देखिए मुठरी बनने लगी है, तो मैं इसको अब डालूँगी इसमें और थोड़ी सी मेथी, कम लग रही है इसमें मेथी कम दिख रही है, मैं थोड़ी सी और मेथी डाल दूँगी। सूखी मेथी मैं डाल रही हूँ, आपके पास ताज़ी मेथी हो तो आप वो डालिए। पानी डाल के मैं आटा गूँथ के तैयार करके रख लूँगी। अब मुझे लेना है देखिए 3-4 चम्मच आटा। इसमें डालूँगी मैं सरसों तेल, इसको बढ़िया से मिक्स कर दूँगी, ऐसे फेंट दूँगी। देखिए इसका एक मैं एक बैटर तैयार करके रख ली हूँ एक प्रकार से। ये हल्का हो गया है मिक्स करते करते। अब मैं आटा ले लेती हूँ, इसका लोई तोड़ लेती हूँ रोटी साइज में, इसको मैं बेल लूँगी। तो दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं अलग अलग रेसिपी जब भी बनाऊँ तो आपके सामने जल्दी उपस्थित हो जाऊँ और आप हमारा वीडियो जल्दी से जल्दी देख सको। देखिए इस प्रकार से मैं पतली पतली रोटी तैयार कर लूँगी। सभी रोटी तैयार हो गई है, तो मैं 1 रोटी लूँगी। इसमें ये मिक्सर ऐसे मिश्रण को मिला दूँगी चम्मच से, नहीं तो चम्मच से बढ़िया से नहीं हो पाएगा, ऐसे हाथ से ही। फिर उसके ऊपर 1 रोटी रखूँगी, फिर से ये मिश्रण मिलाऊँगी। इस प्रकार 1 और रोटी लूँगी, फिर मिश्रण मिलाऊँगी। इसी प्रकार मैं 4 रोटी एक साथ मिला दूँगी, इसको दबा दूँगी, इसको अब बेल दूँगी। देखिए 4 परत हो गया है, बेल देना है इसको, पतली कर देना है। 4 रोटी को आप पतली करोगे तो बड़ी सी रोटी बन जाएगी। देखिए रोटी बन के तैयार है। अब इसके ऊपर मैं फिर से थोड़ी सी ये मिश्रण लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज़्यादा लगाऊंगी तो फोल्ड करने में दिक्कत आएगी। इसका रोल बनाना है मुझे, इस प्रकार से रोल तैयार कर लूँगी मैं।
अब एक नाइफ लूँगी, ऐसे कटिंग कर लूँगी इसको। अब एक लोई ऐसे उठाऊँगी, थोड़ा सा चिपक गया है, चिपटा सा हो गया है, तो मैं गोल कर लूँगी। अब इसको हाथ से थोड़ी सी दबाती जाऊँगी। आप बेलन से भी बेल सकते हो, मगर हाथ से भी थोड़ी सी दबा दीजिए तो बढ़िया बनेगी मैठरी। कोई ज़रूरी नहीं है बेलन से बेलना, आपको ज़्यादा पतला करना हो तो बेलन से भी बेल सकते हो। अब मैं एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, तेल गरम करके रखी हूँ। देखती हूँ तेल गरम हो गया है कि नहीं, गरम हो गया है तो मैं डालती जाऊँगी इसमें। एक बार में मैं जितना डाल सकूँगी। मीडियम फ्लेम रखना है मुझे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है, हाई फ्लेम करने से बढ़िया से सिक नहीं सकेगी मठरी। इस प्रकार इसको चलाते रहना है। देखिए सिक गई है मठरी हमारी, मैं इस प्रकार से निकाल लूँगी, तेल झाड़ लूँगी नीचे। देखिए परफेक्ट कलर आ गया है। इसी प्रकार मैं दूसरी घानी इसमें डाल दूँगी। तो तैयार है हमारी मठरी दोस्तों, पसंद आए हमारी ये आटा की मठरी तो आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया बनी है मठरी, चाय के साथ खाइए बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए परतदार है, क्रिस्पी भी है, अभी तो थोड़ा गर्म है तो कम भी क्रिस्पी लग रही है, बहुत बढ़िया बनी है, आप ट्राई।